स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, ये होंडा साइन है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा और इन्होंने 3-4 बार बैटरी भी चेंज करा चुका है तो न्यू बैटरी डालने के बाद कुछ दिन काम करता फिर काम नहीं करता। मतलब ये चार्जिंग का प्रॉब्लम है, सेल्फ काम नहीं कर रहा और लाइट शायद सही जल रहा लाइट। सही चल रहा तो मैं इसका चार्जिंग को चेक करता हूँ। खोलो इसको, यहाँ पे बैटरी रहता है, इसको खोलो, पहले स्टार्ट करो, ढीला करो उसे, छोड़ो स्टार्ट, इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस स्क्रू को खोलेंगे, अगर स्क्रू खोलने के बाद गाड़ी स्टार्ट रही तो चार्जिंग सही दे रहा, अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो चार्जिंग नहीं दे रहा। प्रेस करो, गाड़ी बंद हो गई, मतलब ये चार्जिंग नहीं दे रहा। तो चार्जिंग नहीं दे रहा तो इसके लिए मुझे चार्जर चेक करना पड़ेगा। चार्जर इस जगह पर रहता है, इसलिए मुझे स्विच खोलना पड़ेगा। यहाँ पर चार्जर है, खोलो इसे। इसे खोलना होगा तब ये बाहर आएगा, कंजेस्टेड है ये जगह। आई बाय अच्छा भी खोलो, 12 नंबर 10 नंबर इसका ये चार्जर है। ओहो, इसका ये टूट गया, यहाँ से इसका तार कट गया, इसलिए ये चार्जिंग नहीं दे रहा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा तार जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको काटो, मुझे लगा कि इसका RR यूनिट ख़राब है ये वाला, लेकिन इसका तार कटा हुआ। उसमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ के टेप मार दें, टाइट से। खोलो उसको, मैच खोलो, इस वायर को मैंने इसके सुराख में डाल दिए, इसको लगाओ। स्टार्ट करो, लगाओ उसको, बोल्ट 10 नंबर,
और फंसेगा वो सर। नीचे वाले स्क्रू लगा दो और कैरियर लगा दो। इसका जितने भी सामान खोला गया है सब फिटिंग कर देंगे। स्टार्ट कीजिए। अब ये स्टार्ट हो गया बिना बैटरी का। अब ये चार्जिंग भी देगा, चार्जिंग दे रहा, पहले ये चार्जिंग नहीं दे रहा था। तो नया बैटरी चेंज हो गया इसकी चक्कर में, एक वायर के चक्कर में। अगर चार्जिंग प्रॉब्लम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि चार्जर ही ख़राब हो, कोई वायर भी कटा हुआ हो सकता है। इसका पैनल लगा दीजिए। लाइट बढ़ रहा है न्यूट्रल वाली, मतलब अभी ये चार्जिंग हो रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये अप डाउन नहीं करेगा न्यूट्रल की लाइट। ये बैटरी पे ही चल रही थी बाइक, जब तक बैटरी में चार्ज रहता था तब तक चलता था, फिर ये डाउन हो गया। सेल्फ से भी स्टार्ट हो गया और थोड़ा बहुत चार्ज हो गया तुरंत। अब मैं इसका सारा पार्ट जो मैंने खोला था सब फिटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपकी भी बाइक में किसी तरह की समस्या हो चार्जिंग वगैरह का, तो ये सब ज़रूर चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।